आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो यूपी एमपी झारखंड बिहार समेत देश के 19 राज्यों में आज होगी तेज बारिश। मानसूनी ब्रेक हटते ही लौटा है बारिश का दौर। देश में मानसूनी बारिश का दौर लौट आया है। अगस्त महीने में लगा मानसून ब्रेक जो है अब पिछले दो दिनों से हट गया है। पिछले दो दिनों से उन राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है जहां पर सूखा पड़ा हुआ था। इसमें यूपी एमपी झारखंड बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और राजस्थान शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दो दिन तक देश के 19 राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अगले दो दिन यानी 10 और 11 को भी देश के 14 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। वे लंबे समय से अच्छी बारिश से तरस रहे तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण के राज्यों में इस बार जो है इस मौसमी सिस्टम के कारण कई इलाकों में हल्की मध्यम तो कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वही देश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण जो है लगातार मौसम बदल रहा है। दरअसल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद देश के कई राज्यों में जो है एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र जो है दक्षिणी आंतरिक ओडिशा और उसके आसपास क्षेत्रों पर भी फैला हुआ है, जिसके आगे मध्य हवा मंडल स्तर तक फैलने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की जो ट्रफ जो है वो सक्रिय इस बार है, वो अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिणी में स्थित है। इससे संभावना बनी हुई है कि अगले 6-7 दिन तो जो है पूरे यहाँ पर दक्षिण राज्यों में और उत्तर राज्यों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के अलावा पूर्वी मध्य और पश्चिमी और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर जो है अगले 6-7 दिन रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी सभी इलाकों में 12 तारीख तक जो है बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी 12 तारीख तक हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 6 दिन यानी 13 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। इन राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में छिटपुट इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वही झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ गुजरात क्षेत्र ईस्ट उत्तर प्रदेश के अलावा असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उपमाली पश्चिम बंगाल और इसके अलावा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी अगले यहाँ पर 4-5 दिन तो कुछ इलाकों में 6-7 दिन तक तो व्यापक रूप से बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दो दिनों तक तो पूर्वी हिस्सों में जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं और मध्य भाग और इसके अलावा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना पश्चिमी तटों पर द्वीपों के साथ साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से बारिश होने का जो पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। बात अब राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की कर लेते हैं, यानी अलग अलग राज्यों के अपडेट की यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले बात यूपी की करें तो यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आज जिन जिलों में भारी बारिश की स्थिति यहाँ पर की बात कही है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और इसके अलावा वाराणसी, संत कबीरदास और कबीरदास नगर और इसके अलावा यहाँ पर जौनपुर और इसके अलावा यहाँ पर गाजीपुर, आजमगढ़, माहू, बलिया, कनौज, कानपुर देहात, कानपुर और इसके अलावा अनाव और लखनऊ, रायबरेली और अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आगरा, फरीदाबाद, मैनपुरी, इटावा, अररिया, जालौन और हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर जो है वो जारी रहने के आसार जताए गए हैं। बाद राजस्थान के मौसम अपडेट की कर लेते हैं, तो राजस्थान में बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी से झेल जो मतलब दो चार जो है होना पड़ रहा था, लेकिन अब बीती रात से अचानक मौसम यहां पर बदल गया है। जयपुर समेत 20 जिलों में कल रात जो है बारिश हुई है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के 20 जिलों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अभी जो है लगातार ये बारिश का दौर जो है 12 तारीख तक यहाँ पर जो चलने की बात जो है वो यहाँ पर कही है, यानी 12 तारीख तक बारिश का दौर जो है वो जारी रहने के आसार जताए गए हैं। बात करते हैं बिहार के मौसम अपडेट की, तो बिहार में भी लगातार जो है बिहार में मौसम बदल रहा है और हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए गए। दरअसल बिहार मौसम विभाग के अनुसार आज जिन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी है उनकी अगर बात करें तो आज लगातार बिहार में जो है अभी फिलहाल मौसम बदल रहा है। जिन जिलों में आज भारी बारिश की बात कही गई उसमें पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, सारण, बक्सर, नवादा, सहरसा समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट है।